गाइस चोर मम्मी के पर्स से पैसे चुरा रही है पत्नी चोर ट्राई किया मैंने आज, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी टंग बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है। सो चार बार ट्राई किया, दिन मैंने आप लोगों का वेलकम किया है। सो बार 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 मैंने सो आज है 31st December और साल का आज है आखिरी दिन, और एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज बाहर ना एक रेडी वाले भैया आ रखे थे और इतनी अच्छी अच्छी चादरें हैं उनके पास, इसने रेट गिराते 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 इतना कम रेट कर दिया, इतना कम रेट कर दिया। फिर वो भैया आए वापस, फिर तो फिर गाइस रेट कम करके कम करते 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 ये एकदम सही रेट पे ले आई। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ। जो लोग बोलते हैं कि मैं घर में काम नहीं करती, तो सही है नहीं करती है, वो बात अलग है, नहीं करती मैं, आप लोग सही बोलते हो, पर कभी कभी तो कर लेना चाहिए। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, अभी 2 मिनट के लिए मैं बैठी हूँ, फिर मैं गाइस देख रहे हो जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मेरे को मेरी अलमीरा में जस्ट यहाँ सामने रखा हुआ है। और मैंने पूरा का पूरा बेड खोल दिया, पूरा सब कुछ खोल कर देखो क्या हाल करा मैंने अपने बेड का, देख रहे हो ये सारा फैला हुआ है। और इस सिर्फ इसके लिए क्योंकि नीचे जो टेबल पे हमारे जो कवर बिछता है उस पर पानी गिरा दिया हुआ है, तो मैं दूसरा टेबल कवर लेने के लिए आई थी, मुझे लगा शायद वॉश करके बेड में डाल दिया होगा और वो जस्ट मेरी अलमीरा के सामने रखा। लेकिन मैंने एक बार भी कोशिश नहीं करी कि मैं अपनी अलमीरा खोल कर देख लूँ, और मैंने इतना ज़्यादा बेड को खोल दिया, क्या बोलूँ यार, मतलब पागल पागल हो गई हो यार, दिमाग ही मेरे काम नहीं कर रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, हाँ हीटर चला के हीटर के सामने बैठी हुई हो और दो दो रंग का सॉक्स पहनी हुई हो, मतलब इतनी इतनी गरीबी आ गई है। देखो गाइस इसकी जुराबे, इसके पास जुराब नहीं है, प्लीज इसको जुराब भिजवा देना। हीटर के मजे ले रही है बिल्कुल बैठ के, पढ़ाई लिखाई तुमको नहीं करना है क्या, फोन हाँ इसको छीन के दो, इधर दो पहले। गाइस इतनी बदतमीज है ना, मैं कुछ काम नहीं करने देती है। अब जा रही हूँ मैं इसको रखने के लिए, मेरा पूरा बेड फैला हुआ आप लोग देख रहे हो पीछे से, ये सब कुछ मेरे को रखना है, ये सब कुछ पूरा बेड फैला रखा है मैंने। और एक बार मैं चेयर पर चढ़ के बस ये बैग उस पर रख रही थी, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, रूम में इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि स्पेस नहीं है, हाँ मतलब इस बिल्कुल स्पेस नहीं है रखने का, तो मैं इसको बैग में डाल के ऊपर रख रही थी और रखने ही नहीं दिया उसने बिल्कुल भी मेरे को, बदतमीज। तो गाइस अभी हम आए थे मार्केट में और हमने खाए छोले भटूरे, मार्केट का छोले भटूरे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो सो गाइस पहले हमारा प्लान था कि हम चूल्हे पे बनाएंगे गाजर का हलवा, यस हमारे गाजर का हलवा बन रहा है, बट लकड़ी का कहीं से कहीं तक अरेंजमेंट नहीं हो पाया और अभी इतनी रात को हम लकड़ी कहाँ से लाए, शाम को किसी को ध्यान नहीं था, भूल गए थे। बहुत टाइम से मन था कि मतलब चूल्हे पे का हलवा खाने का, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा, पछता रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम वो वॉश कर रहे हैं फ्रिज से जिसमें हम गाजर को घिसेंगे, अब हम सोच रहे हैं कि ऊपर वाला जो किचन है हम उसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खाना बनेगा रात का, तो ऊपर वाले किचन में जाके हम बनाएंगे। अब गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए हमारे घर में गाजर के हलवे की तैयारी हो गई है, जो कभी काम नहीं करते थे वो आज काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इनको ये नहीं पता था गाजर का ये रोया भी हटाया जाता है जो मैंने बताया है, तो क्या मेरे लिए बोले नहीं। तो देखिए देखिए हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम भी लग रहा है क्योंकि हमारे न्यू ईयर की तैयारी हो रही है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गाइस आप लोग कैसे हैं, आप लोग को खांसी और जुकाम तो नहीं है ना, कोरोना अब हमारे घर चला रहा है, तो कोरोना का वेलकम करेंगे हम इंडिया में और जल्दी से भगाएंगे कोरोना को, गाइस हलवा खा के गाइस कोरोना तो गाइस की बात भागी जाएगा। तो जो जो थे यार गाइस 10 किलो गाजर आया है, अभी ये सोच रहे कैसे घिसेगा कैसे बनेगा, अभी 2 जने हैं मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सो गाइस बड़े पापा को लग रहा था कि
गाजर कम पड़ जाएंगे क्योंकि हमारे घर में राक्षस रहते हैं, बहुत सारा खाते हैं, तो हम दोबारा गाजर भी कोई सूंघ के तो खाएगा नहीं, कम से कम एक कटोरी तो खाएगा ना। सो गाइस हम दोबारा से गाजर लेने जा रहे हैं, वो डायलॉग बोला जो तुमने बोला था अभी। गाइस गाजर तो लेना पड़ेगा, सूंघ के तो छोड़ेंगे नहीं गाजर, कम से कम नहीं तो एक एक कटोरी, कम से एक बॉइल तो चाहिए चाहिए, किसी को बताना मत। नहीं 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 गाइस आपको पता है हमने 10 किलो लिया था ना, 10 किलो लिया था, 10 किलो फिर लेने जा रहे हैं, 10 किलो फिर से लेने जा रहे हैं, पापा कहना कानों में ना पड़ी। तो हम दोबारा से लेने जा रहे हैं गाजर गाजर, और पापा का कहना ये था कि ये सबसे पहले जाएंगे और इसीलिए जाएंगे क्योंकि ये है काम चोर, इनको गाजर नहीं छीना, गाजर घिस नहीं सकते हैं इनको, बना बनाया खा सकते हैं। हाँ तो वो कह रहे थे इनको घूमना है और इसीलिए ये सबसे पहले जाएंगे क्योंकि इन्हें गाजर नहीं छीना है ना गाजर घिसना है। सबसे पहले तो हमें भागे निकल गए यस कि हम जाएंगे गाजर लेने मार्केट, और मार्केट बहुत पास है दिखा हमारे घर के। तो गाइस हम मार्केट की एंट्री कर रहे हैं। हाँ तो सब लोग मोटा ही गाजर घिसने के लिए कह रही है, मैं गाइस मैं धो नहीं सकती, मेरे को धोना नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता। क्या निकल यहाँ से, चल बेसुरी मधुगढ़ी। ये क्या हो रहा है, ये कौन घिस रहा है? बड़ा वाला पतीला ले आया, इसको बहुत बड़ा पतीला, यही तो है गाइस। आज मैं इतना सारा काम कर रही हूँ ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कपड़े तय लगाने जा रही हूँ, मेरा पूरा रूम फैला हुआ है, मैं सोऊंगी कहाँ पे? अच्छा आ जा वीडियो में देख ले, मैं ही कर रही हूँ सारा काम। देख रही हो कितने बुरे लोग हैं मेरे घर में, भी चुगली करते रहते हैं बस। तो गाइस हमारा कुछ ऐसा प्लान है, आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा आगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप बस ब्लॉग देखो मेरा। ये मैं न्यू लेकर आई हूँ और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये मैं अपने यहाँ की लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, जस्ट 550 रुपए का। ये बोल रही है? हाँ सही में 550 रुपए का सेक्टर है, ये देख पजामा है ना, मैं डेली कॉल पे जाते हूं। अब चल सच में यार सेट है ये, गाइस मुझे बहुत पसंद है ये, तेरे को दिखाया नहीं मैंने, दिखाया था मैंने खुद ही। तो गाइस वैसे मैं हमेशा कपड़े लेकर आती हूँ तो मैं इसको दिखा देती हूँ, पर ये मैं दिखाने से भूल गई हूँ, मैं बिजी हूँ किसी काम में। तो गाइस मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है, और बात ये करनी है कि मैंने जो लास्ट वाला व्लॉग डाला था, लास्ट वाले व्लॉग में गाइस पीछे आवाज आ रही है ना, वो गाजर वॉश हो रहे हैं तो उसकी आवाज आ रही है। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने ये डाला था कि मैं आज के बाद से व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, तो मुझे बहुत सारे DMs बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी प्लीज आप ऐसा मत करो, व्लॉग्स बनाओ, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, मुझे सब लोगों ने बोला कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना चाहिए, पीछे की आवाज़ को बिल्कुल भूल जाओ यार, यही होता है मेरे घर में 24 घंटे। तो थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आई लव यू सो मच गाइस। तो गाइस अभी बड़ी माँ ने मशीन लगाई है तो मैं इसमें ये मिनट और इसलिए गाइस अभी बड़ी माँ ने मशीन लगा रखी है तो मैं चद्दर से नहीं आई थी इसमें अंदर कर रही हूँ। मैंने बोला है मेरे को जब ये हो जाए तो इसको ऑफ करके फिर से राउंड घुमा देना। देखो ये टेबल मेरी ऐसी फैली रहती है, अब मैं इसको एक एक करके अरेंज करूँगी। तो मम्मी खाना बना रही हैं किचन में, फिलहाल तो ओके है बेड, बस ये थोड़ा बहुत रह गया, ये साफ करूँगी और ये सब हटाना है मेरे को यहाँ से। गाइस जब भी हमारे घर में ये रूम फ्रेशनर्स आती है ना तो मैं क्या करती हूँ, ये ऐसे प्रेस कर देती हूँ और ये टूट जाते हैं। एक लास्ट वाला रूम फ्रेशनर था वो भी ऐसे टूटा था, ये जिस दिन आया है मैंने ये उसी दिन तोड़ दिया, इसमें से कुछ निकलता भी नहीं, इसको लगाना होता है ना तो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ऐसे से कर देती हूँ मैं। और मैंने ये मास्क जब से ये रख रखा है और इसमें से सीरम निकल रखा है, पूरा सीरम ने उस टेबल को पूरा गंदा गंदा कर दिया, ये इसमें सीरम
सो गाइज मेरी टेबल हो गई है रेडी, एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। अब फटाफट से चलते हैं नीचे। सो गाइज यहाँ गाजर घिसने की तैयारी शुरू हो गई और दीदी ने ये आप केले घिसा और इससे इतना भी नहीं घिसा जा रहा है। अभी बैठी हूँ देखिए, गाजर कमाल मेरे, कितना देर हुआ, 10 मिनट भी नहीं हुआ उन लोगों को। कितना घिस दिया तूने, वाह मेरी बड़ी बहन। जूस भी निकल गया इसका, जूस पीने नानू ताकत आएगी, तू और बदमाश हो जाएगा। और हमारी गली के दो बच्चे आ रखे हैं, फ्रेंड्स हाय कर, मुकुल हाय कर। तो गली के दो बच्चे हैं कि गानों की आवाज सुन के आ गए हैं कि हाँ इनके घर में पार्टी हो रही है अब। है ना, इसलिए ना पार्टी हो रही है। गाजर खाना है गाइस, अब एक और आ गया और कुछ तो काम करो मोहित भाई, कुछ कह रही है। जब से दीदी कह रही है मैंने इतना घिसा, तूने इतना घिसा, कह रही है इसमें और डाल दे बराबर हो जाएगा। अब सबने घिस लिया, अब तेरी बारी, अब तू घिसेगी, तू ही घिसेगी। और क्या, चोर है चोर। दीदी ने इतना घिस लिया 15 मिनट में। पीछे वो रहा मैं थोड़ा घुमा दे, दिखा दे, मतलब ये नहीं कि तू उसी पे जान दे। सबने घिसा दीदी, इसने नहीं घिसा इस भाई के पास। और हमारा गाजर वो घिसते थे। आज का टाइम ऐसा है, आज हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ये मजा आ रहा है घिसने में। आई मिस यू रिश्तेदारों, तुम्हें याद हो गया होगा कि मम्मी का फोन दिया है तुमने। जब गाजर इतना हो जाए तो मजा नहीं आता, जिससे मैं पड़े डाउन हो जाए। ये तू किसी अब इतना हो जाए, एक हेल्दी का एक ऐसा गाजर लेके आए, इसमें टेस्ट भी गाइस। सो गाइस ये रहा हमारा गाजर का हलवा जो अभी बन रहा है, वो पका नहीं है ठीक से। सो गाइस ये वाला जो किचन है हमारा, ये बहुत कम यूज होता है, मतलब हर वाले किचन यूज होते हैं, यहाँ पे हम कुछ फाइनल लुक ये है हमारे हलवे का। और अभी मैं सब लोगों को डाल के दे रही हूँ, पापा ने बोला है कि सबको दे दो डाल के। तो गाइस ये मैंने निकाल लिया है सबके लिए और मैं अभी इसको हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडे खाने में ना मजा लगे, तो अभी बस इसको सबको देने जा रही हूँ नीचे। गाइस मम्मी को शुगर है तो थोड़ा सा ही देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इसे ज्यादा नहीं खाना। खाना खा रहे हो आप, खाना खा रहे हो। सो गाइस अभी हम इसके ऊपर लिखेंगे काट दांत से, इसके ऊपर अभी हम इसे काटेगा। गाइस यहाँ लड़ाई हो रही है कि केक मैं काटूंगी तो मैं काटूंगी, और इन्हें ये नहीं पता कि केक मैं काटूंगी।